हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो केमती अछंदी आपण माने, आशा करू छी कि भलो रहिथिबे। आउ मु भी ठीक ठाक ही अछि, भलो अछि भगवान को दयारु। आउ भगवान को आशीर्वाद जदि हबो ताले आमे ई जो महामारी रु अतिक्रम व्यतिक्रम करूछु, कोरोना बोली जो भावित रोगटा आइछि ताकु आमे जल्दी ही फाइट बैक करिकि ताकु वानिश कर देबू बोली मु आशा करूछि। ओके चलो, तो मु भावुथिली कौन ब्लॉग शूट करबी आउ को भाषा रे करबी, लिटिल बिट आई एम कंफ्यूज। तो जहाँ भी आसला स्पोंटेनियसली सही थी रही डे टू डे लाइफ रे। अभी का मो शूटटा ऑफ अछि। हाय कहो बेटा। हाय। से टिके बोर हो जाउछ ना, हित पैसे टिके मन दुख करूछि एंड भाबिली कि कौन शूट करबी और कहाँ से शुरू करूँ। तो मुझे लगा कि छत के ऊपर से करती हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा जल्दी उठूँ और वर्कआउट करूँ मॉर्निंग में, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अभिनव की ड्यूटी इतनी ज़्यादा बिजी है कि वो लेट नाइट में आते हैं, फिर नहाते हैं, भाप लेते हैं, कभी कभी खाते हैं, कभी कभी नहीं भी खाते हैं लेट नाइट हो जाने से। तो उसके चलते ना एकदम लेट हो जाता है और सुबह उठना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो समझ में भी नहीं आ रहा था क्या ब्लॉग्स बनाऊँ, चारों तरफ तो इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बातें आती है ना, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी शूट करने के लिए। और खाने की रेसिपीज़ में क्या करूँ, आप लोग तो मुझसे अच्छा बेटर, इतनी अच्छी अच्छी यूट्यूबर्स हैं। तो मुझे लगा कि चलिए मैं कुछ आप लोगों से कुछ डिफरेंट शेयर कर देती हूँ जो भी दिल में आया। और आज सैटरडे है, देखिए मैंने ब्लैक कुर्ता पहना हुआ है। मैं ना डे के हिसाब से कुर्ता पहनती हूँ, जैसे कि मंगलवार को कुछ ऑरेंज पहनती हूँ, गुरुवार को मैं साड़ी ज़रूर पहनती हूँ और वाइट या येलो कॉम्बिनेशन में, सैटरडे को ब्लैक पहन लेती हूँ ऐसे ऐसे। एंड मैं अभी आई हूँ छत के ऊपर, माँ ने पूजा कर लिया है, मैंने नाश्ते की तैयारी कर लिया है। मेरी बेटी की फरमाइश से आजकल नाश्ता हो रहा है, पता है उसने मुझे एक दिन बोला मम्मा मुझे मीठा भात खाना है, मैंने बनाया उसको दही बड़ा खाने थे और आज बड़े का बैटर रखा हुआ है, तो मैं उसे बड़ा सांभर जाके नीचे बना लूँगी। उससे पहले मैं आई थी छत के ऊपर, यहाँ पे ना हमारे कबूतर बहुत आते हैं, अभी तो इतनी धूप हो चुकी है, ये जो जगह है ना कबूतर के लिए चावल दिया जाता है और यहाँ पे कबूतर आते हैं, कबूतर खा के जाते हैं। और मेरी बेटी बहुत उदास हो गई है। इशू कम, जा चावल लेके आओ, चावल लेके आओ, चावल लेके आओ कबूतर के लिए, कमन। और ये कबूतर के लिए हम लोगों ने मठिया पे चावल भर के रखते हैं और ये शाम को जब मैं दिया जलाने आती हूँ तब मैं देती हूँ और मेरी बेटी भी देती है। बच्चों के हाथ से आई थी ये छोटी छोटी चीज़ें, हमें सिखानी चाहिए ना बेटा। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा okay. तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओहो, थैंक यू वेरी मच। देवांशी को मैंने ये बोला नहीं था, चलो आ जाओ, आ जाओ जल्दी कबूतर को देते हैं। और सुबह वो लोग आते हैं, अभी एक कबूतर आया था लेकिन चला गया उसका, आई थिंक ऐसे ऐसे फैला के दो। हाँ गुड, बच्चों को ना ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए और अगर एक दो बार आप लोग डालना शुरू कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक, अच्छा 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 मुझे दे दो, हो गया हो गया। तो ऑटोमेटिक ना कबूतर आने भी शुरू हो जाते हैं और वो लोग खाना खाना भी, मतलब दाना भी लेना। ए नहीं नहीं, मुझे लगा कबूतर आया, आएंगे दोपहर शाम तक। ओके वेरी गुड। और ये सुबह सुबह जब उठ पाई कभी अर्ली मॉर्निंग में तो आप लोग को वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे बहुत सारे कबूतर आते हैं और ये दाना अपना लेते हैं। ओके और यहीं पे वो जगह है जहाँ पे नॉर्मली मैं शूट करती हूँ, मेरा डांस वांस कर लेती हूँ। अभी धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है, देखिए शटडाउन, सैटरडे संडे यहाँ पे तो सुंदरगढ़ में तो पूरा लॉकडाउन है, शटडाउन है। ज़रूरी रहता है वही लोग जाना आना करते हैं और 6 बजे के बाद वैसे भी बंद है। खरियार में तो पूरा ही शटडाउन है, सुबह शायद 2 घंटे के लिए ग्रॉसरी के लिए खुलता होगा तो खुलता होगा, मैक्सिमम जगह पर वही है। दिल्ली का तो हालत आप सबको पता ही है। और ये शायद मछली पकड़ रहे हैं लोग तालाब से, हाँ तुम्हें दिखाई रही हूँ। और इशू तुम्हें पता है वो कौन सा झाड़ है? ये जाओ रख दो, तो बेटे ये जाओ रख दो अपनी जगह पे रख दो, गुड गर्ल जाओ। ये फ्रेंड्स नीम की झाड़ है, इसकी हवा, ये जब हवाएं चलती है ना इसकी, तो इसका हवा, ताजी हवा बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। इसके फूल भी होते हैं जो हम लोग बना के खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं। और यहाँ पे और एक पेड़ है, मैं आपको नीचे चल के अच्छे से बताऊंगी। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा ही गार्डन है, बड़े बड़े पेड़ पीछे लगाए गए हैं, ये बहुत सालों से शायद बाबा माँ ने ही लगाए हैं, हम लोगों ने तो कुछ नहीं लगाए हैं। हाँ बोलो, हो गया। हाँ और सिर्फ कौवा खाएंगे, कबूतर नहीं खाएंगे? कबूतर भी खाएंगे, कौवा काला होता है। चलो, तो कहाँ रखा हुआ?
कहा मेरी बेटी अपने से बोल रही है, बाप रे बड़ी स्मार्ट हो गई है, नहीं तो कभी भी नहीं बोलती है। ओके इधर आ जाओ तुम, अब वहाँ मत चलो ठीक है। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स मेरा हमारा बहुत बड़ा गार्डन है, मतलब छत बहुत ओपन है, यहाँ पे धूप भी बहुत होती है। मेरा बहुत मन है कि यहाँ पे एक शेड डाल दिया जाए और डालने के बाद में यहाँ पे गार्डन किया जाए, लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकती। आई नीड बाबा माँ को तो नॉलेज है। देखिए ये जो गमले रखे हुए हैं अभी रूखे सूखे बेजान हैं, यहाँ पे गेंदे के फूल और डालिया वगैरह। हाँ हाँ इधर आओ, डोंट टच, कम, इधर आओ। हाँ तो रखा जाता है ठंड के टाइम पे, लेकिन मेरा मन है कि बहुत सारे गार्डन किया जाए। टेरेस गार्डन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं तो मुझे बहुत ही पसंद है। और तो होप कि अभिनव अगर टाइम दे पाए और अभिनव अगर हेल्प करे तो ये मैं गार्डन बना पाऊँ। मुझे गार्डनिंग का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ना लोगों को देख के मुझे डेवलप हो रहा है और मैं अपने फ्रेंड सर्कल से भी कुछ हेल्प ले लूँगी। वाओ ये जो आम का झाड़ी हमारा नहीं है, बगल वालों का, लेकिन देखिए यहाँ पे भी कितने सारे कैरी हुए हैं, मैंगो बहुत गुड़ाई जी, एंड लंबा लंबा साइज़ के हुए हमारे भी हुए हैं, मैं आपको नीचे चल के दिखाती हूँ। यस और ये फ्रेंड्स हमारे घर के छत के आम हैं, बहुत सारे हो चुके हैं, हमने ऑलरेडी तोड़ लिया है, लेकिन आज तोड़ के फ्रेंड सर्कल में भी कुछ कुछ भेज दिया है और अचार बना चुका है, मतलब मिठाई का खट्टा वट्टा। एंड अभी चलते हैं नीचे और भैया को बोले कि चटनी वटनी कुछ बनाएंगे तो आपको तोड़ने के लिए हम उनको बोलेंगे। ओके ये चलो चलो दादा इशू नीचे तल के चलो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जितने भी फूल देख रहे हैं, येलो कलर के, रेड कलर के, और ये चंपा फूल है जगन्नाथ जी के नीचे, मल्ली फूल है, और ये सब हमारे झाड़ के हैं, हमारे पेड़ के हैं जो कि बाबा माँ ने लगाए। चलिए मैं नीचे आपको दिखाती हूँ। जल्दी चलो, जल्दी चलो, धूप भी बढ़ रही है काफ़ी, चलो नीचे चलो। ओके सो ये है हम लोगों का लिटिल गार्डन। यस देवांशी ये जो फूल मैं आपको दिखा रही थी पूजा घर में, हम ही लोग मंदार फूल बोलते हैं, और काली माँ में और नॉर्मली काली माँ दुर्गा माँ में ये फूल बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं, और रेड कलर के फूल गणेश जी को हमेशा चढ़ाना चाहिए तो इसलिए हम लोग ये भी चढ़ाते हैं। यहाँ बोलो बेटा, वो इंडिया में सबसे पता है अच्छी चीज़ यही है कि घर घर में आपको फूल मिल जाएंगे भगवान को चढ़ाने के लिए। और ये ना खुशबू बहुत अच्छी है ना। ये जगन्नाथ जी को ये मल्ली फूल बोलते हैं, एंड पता नहीं मोगरे का फूल है बोलते हैं हिंदी में कि कौन पता नहीं, खुल गया ये। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, खुल गया तो खुल गया। इससे जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है, इस फूल की माला उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये गर्मी के महीने में नॉर्मली होती है। और ये सब सो के झाड़े नॉर, ये हाँ ये वाइट कलर के फूल हो गए और टॉगर फूल हमारे में बोलते हैं, पता नहीं। और ये पता है बादाम का पेड़ है, ये बाबा ने लगाया था, ये होता भी है लेकिन हमें उसे का प्रोसीजर सही से नहीं पता, इसीलिए थोड़ा सा हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। दादा ये टमाटर गच्छ ना बैगन, हाँ कोड़े कोड़े कही थे कहीदे टे, और टमाटर टा थी ना, टमाटर भी होता हमारा। ओके सियाड़ी अरे मिर्ची रो ना लंका रो, लंका भी खाई हमें, एटा पोई शाग गच्छ आसी चारा आसी भुवनेश्वर से चारा है और बाबा ने मंगाया है ना। ओके ओके लेट्स गो, हम लोग अपने पीछे तरफ चलते हैं गार्डन में जो कि मैंगो का। ओहो अच्छा इनू चढ़ मारा, हाँ अरे बापरे। ओके चलो सो फ्रेंड्स देवांशी को मैंने कहा तुम चढ़ो थोड़ा सा और ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो। आई थिंक ये सब चीज़ें बच्चों को करनी चाहिए। बचपन में मैंने भी कुछ किया है, अभिनव ने भी किया है, अभिनव तो अभी भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। तो देखिए वो इतना ज़्यादा डर रही थी, मत पूछिए, बहुत हिम्मत। आज पहली बार आई थिंक वो चढ़ रही थी, सेकेंड थर्ड टाइम आने से उसके अंदर का डर निकल जाएगा धीरे धीरे। और मैंने बोला कम से कम वहाँ तक तो एटलीस्ट चढ़ जाओ, चढ़ी। और देखिए जब मैंने उसको बार बार बोला कि कम से कम स्माइल लेंगे बेटा, ना एक फ़ोटो उठाएंगे, उसके लिए उसने चढ़ाए। देखिए ये सब चीज़ें बच्चों को करवानी चाहिए, पहाड़ चढ़ना, ये चढ़ना, वो सब तो हो नहीं सकता, एटलीस्ट हम लोग पेड़ से ही काम चला लेंगे। और देखिए बस इतना तक ही उसने चढ़ा, देखिए देखिए हाई करेगी फिर वो डर गई और नहीं रुकी वहाँ पे। आजा आजा मैं पकड़ लेती हूँ, सीरियसली डरोगी तो नहीं डर। और
फ्रेंड्स ये व्हाइट कलर के फ्लावर हैं माने टा धड़ा रंगर मंदार फूल पिंक भी रहे एंड रेडिश टा बहुत भल लगे वैरायटी ऑफ अच्छी हम इंडिया रे डोंट वरी तो एटा भी भगवान को चढ़ा हुए अमन को यस बेटा कम ये एटा भी बहुत सुंदर अच्छे एटा एटा भी मंदार फूल है वाओ कलर टा बहुत प्यारा अच्छे ओके ये वाले गच्छ पे ना गच्छ नहीं हां झाड़ हां पेड़ पेड़ बोलो यस यस मुझे पता है दादा आम बोले तुल लो हाँ टिके ना को तुल मजे और ये एलोवेरा का प्लांट है ये भी एक वही मंदार का ब्रीड का ही एक फ्लावर है अभी नहीं हुआ है कनेरी है और ये जामुन का बहुत बड़ा पेड़ है यार एकदम से ये सब मुरझा गए हैं। अच्छा ये टमाटर की दादा ये टमाटर का है पता नहीं फ्लावर यस यस ये वो फ्लावर है कनेरी है टोराटो ऐसे सब सब फ्लावर्स के थे और सब मुरझा गए हैं डालिया वालिया सब होते थे लेकिन जिस टाइम होते थे मुझे वीडियो लेना था मैंने लिया नहीं मत तोड़ो डोंट डू दिस प्लीज। इटा दादा टमाटर ना के नड़े दिखाओ ना फोली चीज दी ओ नहीं टमाटर तो फला है मुझे पता है अच्छा मिल गया गए हैं लेकिन अभी कच्चे हैं हमने खाया है ऑलरेडी हमारे फ्रेंड्स अब रुकिए मैं आपको बाहर करके मम्मी प्रोमो गार्नेट का है और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे फ्रूट भिंडी का भी है कराया गया लेकिन ना मैं कभी इतना ध्यान नहीं देती थी लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मैंने ध्यान देना शुरू किया है तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा बहुत वीडियो आप लोग को बता दूँ। लेकिन ये पार्क नहीं बेटा ये गार्डन है गार्डन में नहीं खेलते गार्डन में खेलते पार्क में खेलते अच्छा और हिंदी में बोलते हैं गार्डन और ओडिया रे और ओडिया रे पार्क संबलपुरी रे संबलपुरी रे कौन पार्को पार्को ओके हाँ खेलने जा रही है अच्छा भाई अरे गिर जाओगी ओके नो जंप मत करो बेटा वो प्लीज कुछ कुछ है झाड़ी धरा जाओ हो गया छोड़ दो बाद में धोएंगे बेटा जाओ तुम दे क्या गिरा जाओ आम लेके आओ जाओ आम लेके आओ जाओ गुड गर्ल जाओ नहीं लेके आओ ना बाद में धोएंगे चिंता मत करो झाड़ू लगा भरता की शरबत बना देंगे बाबा तुम्हें आता है तो शरबत बनाना आता है मैंने सिखाया मैम ने सिखाया था समर कोर्स में ना और जल्दी हम थोड़ा ओ गॉड कितना बड़ा है ओ उधर गिरा बेटा उधर 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 ओ कमर दादा हे जीबा बहुत ही गलाव था वहां नहीं तो लो अरे खाली वहां ने उसे एक फुल भांज कर दे जा जा वो लिखाओ वो ले वाला हां हे जीबा दादा साड़े भी पड़ी छे दादा के देखो तो कितना सुंदर चढ़ी हो जन पतला लोकान बोली टुंग टुंग चढ़ी हो जन मोर लगी सपना है गोछे चढ़वाटा छोड़ वाले थारे दितर चढ़ी छु ईश्वरी तुम भी पेड़ में चढ़ना सीख जाना समझे बहुत अच्छी बात है खूब भालो अभ्यास अभ्यास वाले तो खराब हो गया समझ रहे हो ठीक है माते आसो चले आसो अरे लैम्बू तो फ्रेंड्स इतने हमारे आई थिंक इससे भी ज्यादा उधर है तो हो जाएंगे हमारे लिए क्या आपको बनाना सिखाती नहीं अभी मत सिखाओ तुम उन्हें बाय बाय बोल दो चलो बाय बाय टेक केयर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक फिर बोलो फिर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बोलो आम खाइए वाटरमेलन खाइए एप्पल खाइए बनाना खाइए ओके वेरी गुड फ्रूट्स खाइए घर में रहिए और खेलिए अच्छा और वो जो तुम बोलती थी 2 गज की दूरी बोलो तो ना.
प्लीज प्लीज बोलो ना बोलो ना बोलो ना। नहीं वो पता है मेरी बेटी ने सिखाया, दो गज की दूरी मार्क से। अरे रोड पर देखो तुम फ्रेंड्स, आप कहीं कहीं जाते हो तो सीट बेल्ट, देखो ना आप जाते हो तो कार में कहीं कहीं जाते हो तो सीट बेल्ट। हाँ वो पता है सबको। थैंक यू, आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा। चलो बाय बोल दो दादा। ए जाओ भैया आम ला रहे जाओ। फ्रेंड्स प्लीज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपण मान के जेनमाने भी मोर सब्सक्राइब करुछन। आ मोर बेटी केते कथा लगवाटा सिखीगला ना, मोर शूट एबे ऑफ अछे तो मते भी भल टाइम मिल जाऊ जे इशू संगे टाइम स्पेंड करवा लगी, बट पॉसिबल ना हबना सब दिन खेलवा लगी, बट से माने चाहसन कि तांकर संगे घंटे डेढ़ घंटाटे खेलवाटा। एंड आमे ट्राए करसु, अभिनव तो बहुत बेसी ही बिजी रही जाऊछन, बाबा माँ अच्छा माँ कर सैटरडे संडे ऑफ थे से छुआ मन को लगी खरा वर्षा किसी नहीं थे से माने सब बेले एक्टिव थी सन। आई थिंक सही जिनसे हम के सिखवार कथा। ओके देन बाय बाय, टेक केयर। जदी ब्लॉग टा भल लगला कहबे मु ई टाइप रा आउरी बड़े बड़े ब्लॉग्स बनाबी।